सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जगजाहिर है, लेकिन जिले के मुसाफिरखाना तहसील में इसका असर दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुसाफिरखाना तहसील में SDM कार्यालय से लेकर अभिलेखागार भी इससे अछूता नहीं रहा है। कर्मचारियों की कमी की आड़ में प्राइवेट लोगों को कुर्सी थमाकर धन उगाही कराने का मामला सामने आ रहा है। इसकी हकीकत देखना हो तो मुसाफिरखाना तहसील आइए, जहां गोपनीय दस्तावेज सजोए अभिलेखागार कार्यालय पर प्राइवेट लोगों को कुर्सी थमाकर हाकिम बनाया गया है और इन्हीं लोगों से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार के दास्तान की। कर्मचारी अपनी झोली भरने के लिए मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मुसाफिरखाना तहसील की अभिलेखागार कार्यालय में होमगार्ड को ही तहसील का बाबू बनाया गया है, जो कि अब आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। अमेठी से Now44 के लिए नौसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज